अगर आप इस महीने पड़ने वाले अपने बैंक के जरूरी काम को बार बार टाल रहे हैं और बाद में करने की सोच रहे हैं, तो आप जल्दी ही अपने कामों को निपटा लें, क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण इस महीने कई दिन लगातार बैंक बंद रहने वाले हैं। लेकिन आपकी इस परेशानी को कम करने के लिए आज हम आपको इस महीने में पड़ने वाली बैंक की छुट्टियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस महीने कितने दिन कहां कहां बंद रहेंगे बैंक। फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन देश भर के बैंक बंद थे। आरबीआई के निर्देश के चलते 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे घोषित किया गया था। इसके बाद 5 अप्रैल को तेलंगाना में बाबा जगजीवन राम के जन्मदिन के मौके पर बैंक बंद रहेंगे, तो वहीं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में उगादी फेस्टिवल के कारण 6 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू होने के कारण नवरात्रि के पहले दिन जम्मू और कश्मीर में भी बैंक बंद रहेंगे। साथ ही इसी दिन गुड़ी पड़वा पर्व के कारण महाराष्ट्र में भी बैंक बंद रहेंगे। 7 अप्रैल को पर्व की वजह से गुजरात और झारखंड में भी बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि 13 को त्रिपुरा, 14 को बिहार और 15 को बंगाल और हिमाचल प्रदेश में कई फेस्टिवल होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। देश भर में बैंक 17 अप्रैल को महावीर जयंती के चलते बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को कई राज्यों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। HS न्यूज के लिए प्रज्ञा शुक्ला की रिपोर्ट। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।